नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज 26 जनवरी, चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जिले के असानवा थाना क्षेत्र के कशीला गांव में युवती से जबरदस्ती करने के मामले में पूछताछ करने पर पिता की आरोपितों ने तलवार से नाक काट गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने आवेदन में कहा है कि कशीला गांव निवासी प्रिंस कुमार सिंह, धीरज कुमार सिंह व मोहित सिंह ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की। बताया कि वह शौच करने के लिए घर से बाहर जा रही थी, तभी आरोपितों ने जबरदस्ती की। वापस आकर परिजनों को घटना की सारी जानकारी दी तो परिजन आरोपितों से पूछताछ करने पहुंचे। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने जब विरोध किया तो आरोपितों द्वारा तलवार से उसकी नाक काट गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अब अगली खबर, पूर्वोत्तर रेलवे के गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी सवारी गाड़ी संख्या 05113 गोमती नगर छपरा कचहरी एक्सप्रेस ट्रेन से जीआरपी बल ने शराब की बोतलें बरामद की। जीआरपी प्रभारी जय विष्णु राम के नेतृत्व में तलाशी के दौरान ट्रेन के शौचालय के पास से उजला रंग की एक बोरी बरामद हुई, जिसमें शराब की 70 बोतलें मिली। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। अगली खबर, छपरा जिले के पानापुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान से सोमवार की दोपहर अपराधियों ने नगद सहित लगभग 13 लाख रुपए मूल्य की गहने लूट लिए व फरार हो गए। बाजार के व्यस्ततम इलाके में स्थित इस ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की हुई इस घटना के हर कोई हड़पत्र है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पानापुर बाजार स्थित रोशनी ज्वेलर्स के दुकानदार बकवा गांव निवासी ज्ञान कुमार यादव सोमवार की दोपहर 11 बजे अपने घर से गहनों से भरा थैला लेकर अपनी दुकान पर पहुंचे। वह दुकान खोलकर बैठे अपने भतीजे राजकुमार को थैला देकर क्षेत्र में निकल गए। करीब आधे घंटे के बाद एक बाइक सवार पर दो अपराधी दुकान पर पहुंचे व राजकुमार से गहने खरीदने की बात कहे गहने दिखाने को कहा। दुकानदार गहने दिखाने में व्यस्त हो गया। इस दौरान अपराधी गहनों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। अगली खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड व NTPC रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा बिहार के विभिन्न आंदोलन कल से जारी है। इस कड़ी में आंदोलन का असर आज नालंदा में भी देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए सरकार और रेलवे बोर्ड के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा नियमों में परिवर्तन करने रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसके कारण मेधावी छात्र का रिजल्ट नहीं हो पाता है। बोर्ड जो भी नियम जारी करे वह परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को बता दे ताकि हम लोग उसी तरह से तैयारी करें। इस बार के रिजल्ट रुपये का खेल चला है, जिसके कारण रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के परीक्षा में गड़बड़ी किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार हो रहा है। अगली खबर, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि शराबबंदी कानून में संशोधन प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। उत्पाद अधियुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मद निषेध विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पर काफी लंबे से समय विचार चल रहा है। इसके पहले वर्ष 2018 में भी मद निषेध कानून में संशोधन किया गया था। उस समय शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था, मगर तब यह अधिकार कोर्ट के पास था। संशोधन प्रस्ताव में शराब पीकर पकड़े जाने की सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देने की तैयारी है। जुर्माने की राशि क्या होगी यह अभी तय नहीं है। इसके अलावा शराब निर्माण या बेचने से जुड़े अपराधियों के मामले में पहले की तरह ही कोर्ट के पास जाएंगे। अगली खबर, बिहार के जमुई में नक्सलियों का वर्चस्व आज भी कायम है। हार्डकोर्ट नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा की तलाश में पुलिस दर दर की ठोकरें खा रही है। इस बीच सोमवार को पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए दोनों नक्सलियों के पर्सनल कुरियर को धर दबोचा। मामला जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के अदवरिया जंगल का बताया जा रहा है। जिले के SP शौर्य सुमन के निर्देश पर पुलिस ने जाल बिछाकर बाइक सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो कि आपत्तिजनक सामान की डिलीवरी करने नक्सली कमांडर बलेश्वर कोड़ा के पास जा रहे थे। अगली खबर, बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफ जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बोर्ड ने वैसे परीक्षार्थियों के लिए ये इंतजाम किया है। वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है, उन्हें
परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य की तस्वीर छपी हो तो छात्र को पहचान पत्र के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटो युक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आए। इसके साथ ही पहचान पत्र की छात्र प्रति राज्य प्रतीक्त अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। इसके बाद ही छात्र को ओएमआर शीट व डाटा रहित उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। यदि किसी परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड गुम हो गया हो या भूल से घर छूट गया हो तो ऐसे स्थिति में उपस्थित पत्रक में स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर और रोल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। अगली खबर, कोरोना का आंकड़ा भले ही कम हो रहा है लेकिन मौत का खतरा नहीं टल रहा है। राज्य में हर दिन मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर पटना एम्स में भर्ती 3 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें सभी महिलाएं हैं। मौत का कारण कोरोना से शरीर में मल्टी ऑर्गन का फेल होना बताया जा रहा है। सोमवार को 1821 नए मामले आए और 4829 ठीक हुए। सारण में 37 साल की ममता कुमारी को 23 जनवरी को एम्स में भर्ती कराया गया था और 24 घंटे में मौत हो गई। बक्सर में रहने वाली 54 साल की मीना देवी की भी मौत हुई है। 24 जनवरी को उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, रात में ही उनकी मौत हो गई है। वहीं तीसरी मौत मुंगेर की रहने वाली 71 साल की श्यामलाल देवी की हुई है। उन्हें 24 जनवरी को भर्ती कराया गया था और उसी दिन रात में मौत हो गई। पटना एम्स में एक दिन पूर्व भी 3 महिला की मौत हुई थी। अगली खबर, बिहार के मौसम, अब तापमान में बदलाव जारी है। कनकनी जैसे ठंड नहीं है। मौसम विभाग की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि 26 जनवरी को राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा। सुबह में हल्का कोहरा हो सकता है लेकिन दिन चढ़ने के साथ साफ हो जाएगा। सोमवार को छपरा राज्य का सर्वाधिक ठंड स्थान रहा। सोमवार को यह न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान सीतामढ़ी का 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।